कर दिया तुमने? अरे तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त मौज बाहर लाइफ में हमेशा की तरह। क्या बात है, और बताओ, गलती से पढ़ाई वढ़ाई करी थी घर जाके? थोड़ी सी गलती से करी थी? सच में नहीं करी, मन से नहीं करी, गलती से करी? ओहो, चलो जरा मैं यहाँ देख लूँ। और ऑनलाइन में तुम लोगों ने क्या करा, गलती से पढ़ाई करी या मन से पढ़ाई करी, ये बताओ पहले मेरे को, ठीक है? चलो जो भी है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम आज के बाद एक परंपरा बना लेते हैं अपनी क्लास की। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, धीरे धीरे सारी चीज़ें फोकस में आएंगी। तो आज के दिन आज हम परंपरा पर फोकस करेंगे, और ये हमारी परंपरा जब तक हमारा बैच चलेगा तब तक ये परंपरा हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे लगातार डेली बेसिस पर, ठीक है? तो बताओ मेरे साथ तैयार हो ये परंपरा फॉलो करने के लिए, ठीक है? इस परंपरा में तुम्हें क्या करना है, पहले काम डिवाइड हो जाए हमारे कि तुम्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, और जब तक मैं यहाँ पे देख लूँ। ऑनलाइन वालों तुम भी बताओ, तैयार हो मेरे साथ एक बार, ठीक है? एनर्जी से गुड मॉर्निंग बोलो एक बार फटाफट से पहले, ठीक है? हाँ, तो परंपरा का क्या काम होगा, हम लोग क्या करेंगे इस परंपरा के अंदर कि डेली बेसिस पर मैं आकर के कुछ यहाँ पर बड़बड़ करूंगा, ठीक है? तुम्हें मेरे साथ करनी है, ठीक है? उसके लिए तुम्हें क्या करना है, जो मैं बोलूँगा वही रिपीट करना है डेली, 5 से 10 मिनट, और कुछ नहीं करना है। हाँ, इतना करना है, ठीक है? और डेली करना है जब तक बैच चलेगा, ठीक? तो उसको आज से शुरू कर रहे हैं। तो आज क्या बड़बड़ करेंगे हम, पहली बात तो, हाँ, जो पिछली क्लास में हमने कुछ बहुत कुछ देखा था उसमें से सारा हम देख लेंगे फटाफट से, कुछ 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या क्या देखा था, शुरुआत करी थी, पहले तो हमने अपना सिलेबस वगैरह देखा था, तो वो तो दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर रिवाइज करना ही है तो पूरी वीडियो देखना दोबारा से जा करके, आराम से आधा पौना घंटा हमने वही समझा था अच्छे से, ठीक है? उसके बाद एट द एंड ऑफ द सेकेंड हाफ में हमने क्या करा था क्लास के, कि फिर हमने चालू करा था अपना कंटेंट, अपना अंदर का चैप्टर चालू करा था। उस चैप्टर में फिर हमने क्या देखा था, उस चैप्टर में सबसे पहले हमने देखा, अब आते हैं टॉपिक पर, मेरे साथ बोलना, ठीक है? तो सबसे पहले हमने देखा कि इकोनॉमिक्स ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, ग्रीक वर्ड से, ठीक है? ग्रीक वर्ड में इसे क्या बोलते थे, ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मीनिंग क्या होता था, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, और हाउस होल्ड मैनेजमेंट तो होता था वहां पर, लेकिन फिर टिल 19th century तक इकोनॉमिक्स को क्या बोला करते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स बोलने के बाद हमने एक चीज और देखी थी कि एक महान पुरुष था जिसने क्या करा था, एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या था, Enquiry into the nature and cause of a wealth of a nation. Short में क्या नाम था, the wealth of a nation. और फिर wealth और money में difference देखा था, wealth is not equal to money. Money is a part of wealth. क्योंकि wealth क्या है, broader term है, और money उसका छोटा term है एक तरीके से, क्योंकि wealth के अंदर सब कुछ आया था, property वगैरह सारी आई थी, हमारी जायदाद property, investment, gold, silver सब आया था, कार वार सब, ठीक? उसके बाद फिर हमने देखा कि वो जो महापुरुष ने बुक लिखी थी, उस बुक का जो ओनर था वो, तो उसे फादर बनाया गया इकोनॉमिक्स का भी, तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स का नाम क्या था, मिस्टर एडम स्मिथ। बहुत बढ़िया। अब ये तो बताया ही नहीं तुमने कि ये बुक लिखी गई थी, कब लिखी गई थी, 1776, डबल थाला वाले रीजन में, डबल थाला वाले ईयर में, ठीक? और इसके आगे पहुंचे हम, फिर और क्या देखा था हमने इसके आगे, बस यही देखा था। अरे वाह, चलो अब इसके आगे चलते हैं। मेनली हमने इतना पढ़ा था, अपना आधा पौना घंटा लगाकर ये पढ़ाई करी थी हमने, इसको समझा था एक एक वर्ड को अच्छे से। आज हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। अगली क्लास में लेंगे तो दोबारा इसको रिवाइज करेंगे, और जो आज कार्यक्रम कर लेंगे इस कार्यक्रम को फिर रिवाइज करेंगे, ठीक है? चलो, और ऑनलाइन वालों को भी मेरे साथ ही ऐसे ऐसे घर पर बोलना है, घर वाले कहेंगे सुबह सुबह क्या हो गया, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है? क्या ना, पढ़ाई चल रही है, और जब मैं बोलूँ गाने गाने के लिए तो गाना भी गा देना मेरे लिए, ठीक है? चलो अब देखो, अब आते हैं आज के कार्यक्रम पे। तो आज के शो की शुरुआत में हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो जहां से हमने खत्म किया था उस वहीं से चालू करते हैं इस चीज को, ठीक?
हमने देखा कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक तरीके से ग्रीक वर्ड से आई है, इकोनॉमिक्स का मीनिंग है, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हो गए हमारे, बहुत ही बढ़िया हो गया ये तो, ठीक है। लेकिन इस संसार में कुछ सच हैं, क्या है, कुछ सच जिनसे कोई नहीं बच सकता, है ना। क्योंकि हम देखा था इकोनॉमिक्स का जन्म क्यों हुआ है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम आई है, कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी वॉन्ट्स बहुत ज्यादा हैं और उसको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो स्कैर्स हैं, लिमिटेड हैं कहीं ना कहीं। तो अगर ये समस्या ही नहीं होती जीवन में तो क्या कभी इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती, नहीं पढ़नी पड़ती। तो ये समस्या आई है और ये समस्या किसको फेस करनी पड़ रही है, तुम्हें फेस करनी पड़ रही है, क्या सिर्फ तुम्हें फेस करनी पड़ रही है, क्या मुझे फेस नहीं करनी पड़ रही समस्या, बिल्कुल तुम्हें ही फेस करनी पड़ रही है, मुझे ही फेस करनी पड़ रही है, बड़ी दिक्कत हो गई। तो चलो और देखते हैं किसको फेस नहीं करनी पड़ रही है, कोई ढूंढते हैं, कोई ऐसा मिल जाए हमें जीवन में जिसको फेस ना करनी पड़ रही है समस्या। तुम्हें भी फेस करनी पड़ रही है, मुझे भी फेस करनी पड़ रही है। अब देखते हैं, थोड़ा अपने से ऊपर चलते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या गवर्नमेंट जो है या कोई बिजनेस अंबानी अडानी को समस्या फेस करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, वो मना कर रहा है, उनके पास बहुत पैसा है, ठीक है। बट जो रिसोर्सेज हैं संसार के अंदर वो तो लिमिटेड ही है ना, वो कितना भी पैसा कमा लें लेकिन रिसोर्स थोड़ी बढ़ा पाएंगे कहीं ना कहीं, तो उनको ही फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं मोदी जी सुप्रीम लीडर है ना, जो इंसान वॉर रुकवा सकते हैं, क्या उनको फेस करनी पड़ेगी समस्या, कोई फेस करनी पड़ेगी, ओहो ये तो हमारी इंडिया की बात हो गई, तो यानी हमारे इंडिया में सबको फेस करनी पड़ रही समस्या, है ना। ओके, इंडिया से बाहर निकलते हैं, निकले इंडिया से बाहर, देखते हैं इंडिया के बाहर जो लोग हैं क्या उनको फेस करनी पड़ रही है समस्या, किसको फेस करनी पड़ेगी, अमेरिका को फेस करनी पड़ेगी समस्या, चाइना को, पाकिस्तान को, वहाँ तो समस्या, वहाँ तो ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, हैं वहाँ तो इंक्वायरी करनी बेकार है, वहाँ तो ये कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक ही बहुत समस्या वहाँ पे भरी पड़ी है। उन कह रहा उनकी विल ही नहीं, उनकी विल है, उनकी कुछ खतरनाक विल भी ज़्यादा होती है ना, इसीलिए वहाँ पर, ठीक है। और रशिया को भी फेस करनी पड़ रही है, रशिया को फेस करनी पड़ रही है, अरे फिर तो बड़ी दिक्कत हो गई, जब रशिया को फेस करनी पड़ेगी तो तुम्हारी डिमांड कौन फुलफिल करेगा, वो पहले अपनी डिमांड फुलफिल करेंगे, इसका मतलब बड़ी दिक्कत हो गई। तो ठीक है, तो एक बात समझ में आई मोटा मोटा यहाँ पर कि ये प्रॉब्लम है जो इकोनॉमिक्स की, ये समस्या एक इंडिविजुअल से लेकर के एक रशिया, जापान, अमेरिका सबको फेस करनी पड़ रही है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो समस्या है इकोनॉमिक्स की समस्या, ये हर किसी को फेस करनी पड़ रही है ना, यूनिवर्सल होगा एक तरीके से, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे होल वर्ल्ड हो, सबको फेस करनी पड़ेगी ये समस्या। तो ये एक ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि ये जो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स है ये किस चीज को फेस करनी पड़ती है, ऑप्शन में आता है इंडिविजुअल, फर्म, गवर्नमेंट या ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव ऐसा करके आता है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, तो ये ध्यान रखना है, ठीक। चलो ये समझ आया, ओके। तो ये समस्या है इकोनॉमिक्स के अंदर, हमें जो बताया गया कि इकोनॉमिक्स के अंदर दो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं, अब निकल के आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंदर दो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं जो कि पूरी इकोनॉमिक्स को समअप कर देते हैं, जो इकोनॉमिक्स का सच है एक तरीके से। क्या सच है, एक तो सबसे पहली बात वॉन्ट्स, हाँ वॉन्ट्स कैसी है मेरी, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, और मेरे इनको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं हाँ वो क्या है, हाँ अब इसको आज ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, आज तक जो पढ़ा वो ठीक था लेकिन अब इसको और करेक्टली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो रिलेटिवली लगाने का महत्व क्या है यहां पे, हाँ नहीं किस हिसाब से चाहिए वो तो सही बात है। दो वर्ड होते हैं, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या हो गया और रिलेटिव का मीनिंग होगा, इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हाँ बता दो, अभी इसका चार्ट बनाओ जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और जो अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे, मैं पूरे एक चार्ट में समअप करवा दूंगा, नोट में करवा दूंगा, टेंशन मतलब उस चीज की, ठीक है। अभी तो समझा रहा हूं ना मैं इसीलिए, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट, हाँ एब्सोल्यूट स्केयर्स क्या होगा मेरे लिए, यानी कि ये उतना ही है। जैसे कि मानो
कि तुम्हें बताया जाए कि एक पानी की बोतल है, ठीक है। पानी की बोतल कैसे बनती है, कर रही है, पीछे बनानी है मेरे को। पानी की बोतल है, वेरी गुड। क्या पानी की है, अब वो तो इसके अंदर तुम कुछ भी भर लो, मैंने तो पानी भर रखा है, बाकी तुम्हारी सोच जैसी इसकी सोच, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि इस पानी की बोतल में 2 लीटर पानी आता है, ठीक है, और ये 2 लीटर पानी ही है तुम्हारे पास अगले 7 दिन तक, हाँ, कि नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट 7 डेज के लिए तुम्हारे पास इतना ही पानी है, इसके बाद पानी है ही नहीं, खत्म हो जाएगा। ये क्या हो गया, मेरे पास एब्सोल्यूट कमी हो गई कि मेरे पास 7 दिन के लिए इतना ही पानी है, बिल्कुल, हाँ। और अगर रिलेटिव की बात करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये तो क्या एब्सोल्यूट, ठीक है। अब अगर मैं रिलेटिव की बात करूंगा यहीं पे, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास 2 लीटर पानी तो है, ठीक है, लेकिन मेरी जो रिक्वायरमेंट है नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट 2 से ज्यादा होगी कहीं ना, हाँ, मेरी रिक्वायरमेंट मान लो 4 लीटर की है, तो पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, बट क्या होगा, कंपैरेटिवली जितना मुझे चाहिए उसके कंपैरिजन में मेरे पास रिसोर्सेस कम है, वहां पे क्या, मेरे पास एब्सोल्यूट खत्म हो जाएगी चीज, 7 दिन बाद खत्म हो जाएगी, बोतल में पानी बचेगा ही नहीं, बट वहां पे क्या होगा, यहां मेरे पास रिलेटिवली स्कैर्स है, मेरी रिक्वायरमेंट 4 लीटर की है, बट है कितना मेरे पास, सिर्फ 2 लीटर, और मेरे पास 4 लीटर ही 2 लीटर ही पानी आता है हर दिन, और मेरी हर दिन रिक्वायरमेंट जो 4 लीटर होने वाली है, हाँ, हर दिन का ही है ये 7 दिन बाद, हाँ, ये एक लिमिटेड टाइम है यहाँ पे, इसके बाद मेरे ऐसा नहीं कि मेरी डिमांड कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास 7 दिन बाद मैं बिना पानी का हो जाऊंगा, ऐसा। तो नेक्स्ट 7 डेज के लिए मेरे पास 2 लीटर पानी ही बचा है, उसके बाद मेरे को मिलेगा ही नहीं, और यहाँ पे मेरे पास हर दिन 2 लीटर पानी आएगा, बट उसको फुलफिल जो मेरी इच्छाएं हैं पानी से वो मेरी 4 लीटर की है डेली की। क्या होगा, रिलेटिव निकल गया, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट की पूरी तरीके से, और रिलेटिव मानेगी सिर्फ कंपैरेटिवली। अब जैसे कि कल हमने एग्जांपल लिया था, हमारी इतनी सारी वांट्स इच्छाएं थी, मेरे को बाइक भी चाहिए, मेरे को शॉपिंग भी करनी है, मेरे को पार्टी भी करनी है, मेरे को रेस्टोरेंट में जाना है, मेरे को मूवी भी देखनी है, मेरे को फोन का रिचार्ज भी करवाना है, मेरे को गाड़ी में पेट्रोल भी भरवाना है ना, मेरे को घूमने भी जाना है, मेरे को क्लब में भी जाना है, मेरे को डेट पे भी जाना है, ये मेरी इच्छाएं इतनी सारी हैं, बट उनको फुलफिल करने के लिए पैसे कितने, सिर्फ 2,000 रुपए थे, तो हुआ सेम चीज होगा एक तरीके से, तो इसलिए क्या होता है, रिलेटिवली स्कैर्स होती है ये चीज। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होता है, रिलेटिव स्कैर्स, किसके रिलेटिव में, हमारी इच्छाओं के रिलेटिव में, इच्छाएं इतनी सारी लिस्ट बनी पड़ी है, बट उनको फुलफिल करने के लिए रिसोर्स कितने, इतने से सिर्फ, ठीक है। तो जब ऐसी चीज आती है हमारे पास, तभी हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिसाइड करना पड़ता है हमारे पास जो प्रॉब्लम है, तो मेन प्रॉब्लम क्या है हमारे पास इकोनॉमिक्स के अंदर, हाँ, मेन प्रॉब्लम तो ये है, बट उसी रिलेटिवली स्केयर्स की वजह से मेरे को जो सबसे बड़ी पिक्चर अगर मैं देखूं तो क्या करना पड़ रहा है, मेरे को चुनाव करना पड़ रहा है, हाँ, मेरे पास चुनाव करने का ऑप्शन आएगा, मुझे चुनना पड़ेगा कि अब इस 2 लीटर पानी से मैं क्या काम करूं, क्योंकि 4 लीटर की तो समाधान नहीं होने वाला, कहीं ना कहीं 2 लीटर का सैक्रिफाइस तो मेरे को करना ही पड़ेगा, 2 लीटर की जो मेरी वांट्स होंगी वो तो मुझे सैक्रिफाइस करनी ही पड़ेंगी, तो मैं किन इच्छाओं को फुलफिल करूं, हाँ, ये अभी आगे जाके देखेंगे ना, ये अभी मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मुझे कैसे पहचानना है कि कौन सी मेरी इच्छाएं मैं अभी आज फुलफिल करूं पहले, और कौन सी को मैं छोड़ दूं। कल हमने देखा था ना कि वहां पर जाना, उसके साथ जाना जरूरी हो गया था, बाकी हमने दोस्तों को छोड़ दिया था उसके चक्कर में, तो कौन सी प्रायोरिटी रहने वाली है मेरी, अर्जेंट वांट कौन सी है मेरी, इसको बोला जाता है, अभी तुम्हें बुक से दिखाऊंगा कि मोस्ट प्रेसिंग वांट्स, प्रेसिंग वांट्स मेरी, प्रेसिंग वांट्स कौन सी, प्रेसिंग बोले तो अर्जेंट, अर्जेंट, समझ आया, तो जो सबसे अर्जेंट वांट्स होगी मैं उसे फुलफिल करूंगा पहले, तो ठीक, तो ये प्रॉब्लम है मेरे पास, और प्रॉब्लम आगे तो डिसीजन करना पड़ेगा मेरे को। अब ये बताओ मुझे डिसीजन कब करना पड़ता है आमतौर पे जीवन में, अपने सिचुएशन आती है, कैसी सिचुएशन आती है, अच्छा, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है मेरे साथ, हाँ, मानो कि मेरे पास अगर ऐसा हो कि, चलो एक एग्जांपल पकड़ते हैं, ठीक है, ये कौन है, ड्यूटी कह रहा है गौरव, ये गौरव कैसे हो सकता है भाई,
अरे पागल, महिला है ये, गौरव कैसे हो सकता है, ये गौरी जरूर हो सकता है। ठीक है, ये श्रेया है। ठीक है, ये कोई श्रेया है, हमारी श्रेया। ठीक है, अब श्रेया बड़ी हो चुकी है, तो अब श्रेया के हाथ पीले करने के समय आ चुका है। हालांकि हमने तो पूरे पीला कर दिया श्रेया को, कोई दिक्कत नहीं, खैर जॉन्डिस हो गया, नहीं कोई नहीं। तो मानो श्रेया के हाथ पीले करने का समय आ चुका है, हाथों में मेहंदी लगाने का समय आ चुका है। तो लेकिन अब श्रेया के पास जिसके साथ इसे जीवन बिताना है, क्या उसके पास ये है? ठीक हाँ, अब तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं गौरव। अरे तो दुनिया में एक ही गौरव थोड़ी है। हाँ और क्या, सरनेम थोड़ी लिख दिया मैंने। ठीक है, अलग है, वो गौरव है, ये गौरव तनेजा, गौरव तनेजा। ठीक है, या फिर वो कौन है तुम्हारा फेवरेट, कौन है वो जो ब्लॉक करता है गौरव? अरे वो गौरव है ना एक, अरे वो तो अलग हो गया, वो तो टेक्निकल गुरुजी वाला गौरव है। एक और गौरव है यार, मैं है गौरव जोन, हाँ ये वाला गौरव मान लेते हैं। ठीक है, खुश है? हाँ, तो अब देखो क्या हुआ। अगर मान लो श्रेया के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जीवन के अंदर, और कोई लड़का ही नहीं है समाज में, ये किसी और यूनिवर्स की बात हो रही होगी, है तो मानो क्या श्रेया को चुनना पड़ेगा? नहीं, जो है उससे ही काम चलाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर तुम्हारी बात अगर कर लें, तुम में से किसी की, जब तुम्हारा समय आएगा शादी करने का, तो तुम्हारे पास एक ही लड़की है, बस ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या उसमें से भी चुनोगे? नहीं, तू नहीं तो, अरे और कोई है ही नहीं, तू नहीं तो तू ही, और तू है तो तू तो है ही, तो बस ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो यानी डिसीजन लेने का समय कब आता है, या डिसीजन हमें चुनाव कब करना पड़ता है? जब हमारे पास क्या होते हैं, चॉइस होती है। अब जैसे अगर यहां इस वाले एग्जाम्पल ले लें, अगर श्रेया के पास और ऑप्शन होंगे, श्रेया के पास और ऑप्शन होंगे, ऑब्वियसली हो सकते हैं, है ना? सचिन कह रहा बिल्कुल होंगे इसके पास तो ऑप्शन। ठीक है, मानो उसके पास ये चार ऑप्शन है। ठीक है, तो ये ऐसे चार, एक गौरव हो गया, एक मान लेते हैं सोनू हो गया, एक मान लेते हैं अश्विनी हो गया, ठीक है, एक मान लेते हैं एक सच्चू हो गया। ठीक है, तो ये चार हैं इसके पास। अब श्रेया को चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, अब श्रेया चुनेगी इनमें से कि कौन उसके लिए कंपेटेबल है, कौन अंडरस्टैंडिंग है, कौन कितना कमाता है, या कौन कितना उसके स्टैंडर्ड को मैच कर पाता है, अल्टीमेटली कौन कितना पढ़ा लिखा है। तो जब ये सारे जो उसके जरूरत की चीजें होंगी, वो देखेगी कि ये कौन है जो फुलफिल कर पा रहा है सही से, है ना? क्या नहीं, नहीं है, आंखें हैं इसकी, कैसी बात नहीं है। ठीक है, तो तभी तो, वरना ये तो पहली बार कर देगी वो, है ना? तो प्यार अंधा होता है, लेकिन जिससे प्यार करा वो अंधा होगा तो वो काम नहीं चलेगा ना, है थोड़ी होता है। तो श्रेया ने कहा ठीक है, इन चारों में से चुन लेंगे। तो प्रॉब्लम कब आती है चॉइस की? जब चॉइस होती है जीवन में। जैसे जब तुम 12th पास आउट हुए, तो तुम में से काफी बच्चों के पास क्या है, और दिमाग में सवाल आया होगा कि क्या करना है जीवन में, CA करें, MBA करें, ACCA करें, CFA करें, या CUT का एग्जाम अच्छे से देके किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लें। तो चुनाव का समय था ना वो, लेकिन तुमने चुनाव किया सब में से। हाँ, किसी का पहले से डिसाइडेड रहा होगा कि नहीं मेरे को तो यही करना है। तो जिसने पहले से डिसाइड किया कि कोई और ऑप्शन था ही नहीं उसके जीवन में, तो उसका तो बिल्कुल ही समस्या खत्म ही हो गई, उसको चुनाव की समस्या है ही नहीं। तो चुनाव की समस्या किन बच्चों को आई होगी? मेरी तरह जो बच्चे रहे होंगे जिनको चुनना पड़ा था कि क्या करने, क्या करें, CA करें, MBA करें, ACCA करें, या क्रिकेट, या क्रिकेट में जाएं, या फिर एक्टिंग में जाएं, डांसिंग में जाएं, जो करना चाहते हैं उसमें से। लेकिन फिर उसमें से हमने एक डिसाइड करा जो हमारे लिए बेस्ट है, जो सुटेबल है, और जो सबसे बेस्ट रहने वाला है जीवन में भी। तो ये इस तरीके से, तो क्लियर है एक बात? तो जब भी क्या होता है मेरे पास अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ना, अराइज व्हेन, जब क्या होता है, व्हेन देयर इज अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, क्लियर है वाली बात? इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहां पे? हाँ, व्हेन देयर इज अ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, क्लियर? ठीक है, इसका मतलब एक बात समझ आ गई यहां से मेरे को कि डिसीजन मेकिंग कब करनी पड़ती है मेरे को, कब करनी पड़ती है? जब चॉइस होती है ना। एक तो चॉइस हो गई, यानी मेरे पास
इच्छाएं बहुत सारी हो जाएंगी, है ना। देखो, या तो डिसीजन मेकिंग मेरे को कब नहीं करनी पड़ेगी, है ना, या एक काम करते हैं इसको चॉइस लिख लेते हैं फिलहाल के लिए ना। आगे भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, तुम यहां से लिखना चालू कर सकते हो चाहो तो, अगर वो बनाना हो किसी को तो वो भी बना लेना, ठीक है। इसके बाद पहले लिख लो, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज, व्हेन हाँ, पूरा हेडिंग बन जाएगी ना एक तरीके से, फिर मैं अभी तीन पॉइंट लिखवा दूंगा इसके अभी, ठीक है। व्हेन अनलिमिटेड रिसोर्सेस, अब इस बात को समझना जरा, अब जरा सोचो कि तुम्हारे पास, जब तुम कल की अगर बात उठा लें, तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं होती तो क्या चुनना पड़ता तुम्हें कौन सी चीज को सैक्रिफाइस करना है या कौन सी को आज प्रायोरिटाइज करना है, ऐसा करना पड़ता नहीं करना पड़ता। ये अराइज क्यों हुआ, क्योंकि तुम्हारे पास रिसोर्सेज क्या थे, लिमिटेड। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड हो जाए जीवन में, कोई रिसोर्स खत्म ही नहीं होगा, जैसे अभी वाला एग्जाम्पल पकड़े, अगर वो जो बॉटल में जो पानी था वो पानी अनलिमिटेड हो, तुम्हें जितनी 4 लीटर की यूज था ना तुम्हारा, लेकिन पानी बेतहाशा है, 100 लीटर, 1000 लीटर, 500 लीटर, खत्म ही नहीं होगा, आता जाएगा, तो साइड वांट्स फुलफिल हो ही जाएंगे ऑटोमेटिकली, जरूरत नहीं पड़ेगी चॉइस करने की, तो कौन सी वांट को आज फुलफिल करें, कौन सी वांट को नहीं करें। तो जब चॉइस कब आएगी, जब अनलिमिटेड रिसोर्सेस होगा, तो क्या चॉइस करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, नो नो बेबी नो, ठीक है, नो, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड, ओके। दूसरा, हाँ, जब क्या करना पड़ेगा मेरे को, जब अल्टरनेटिव, When no alternative, या फिर no option, हाँ no option available, तब करनी पड़ेगी क्या choice? अब श्रेया वाला example यहां पर हमारे फिट बैठेगा, है ना। श्रेया के पास अगर एक ही option होता, मतलब एक ही होता है, तुम्हारे पास एक ही option रहा जीवन में कि ये ही है जो भी है, उससे क्या ही करना है, तो बस, तो भी choice का option ही नहीं है। अब चॉइस का ऑप्शन कब आएगा, व्हेन लिमिटेड रिसोर्सेस, हाँ रिसोर्स क्या है मेरे, लिमिटेड है, एंड अल्टरनेटिव्स चूज अवेलेबल, अब बताओ मेरे पास रिसोर्सेस की लिमिटेशन है और साथ में मेरे पास उस रिसोर्स को मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह यूज भी कर सकता हूं, तो मुझे चुनना पड़ेगा अब कौन सी वांट को मुझे आज सेटिस्फाई करना है और कौन सी वांट को मुझे अभी छोड़ देना है, ठीक है। तो यहां पे आएगा बड़ा बड़ा यस, तो यहां पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विल बी अराइज, तो ये थर्ड पॉइंट में मेरा फिट बैठ जाएगा, बाकी दो में नहीं बैठेगा। तो ऐसा एमसीक्यू बन सकता है बड़े प्यार से, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस व्हेन अराइज, ये तीन ऑप्शन बन जाएंगे और फोर्थ हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, बस सीधा हो जाएगा, या वो दे देगा कि ऑप्शन ए एंड बी, लेकिन वो होगा ही नहीं, आंसर तो ऑप्शन सी है, सी है, ठीक है। अलग अलग कलर के पेन है ना तुम्हारे पास, हाँ कल खरीद के लाया और घर पे भूल गया, घर पे कौन पढ़ रहा है उससे, देख देख ले भाई, फिर मत कहिए मुझसे बाद में कि नोट्स मेरे सुंदर नहीं दिख रहे, बाकी के सुंदर दिख रहे हैं, अच्छा फिर ठीक है, ठीक है चलो, ठीक है, ये समझ आया, समझ आया ना कि कब अराइज हो सकते कब नहीं अराइज हो सकती, वेरी गुड, ठीक है। तुमसे मिलके आ जाओ, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हो जाए कंप्लीट तो मुझे बताना, ठीक है, फिर मैं तुम्हें नई दुनिया में लेके चलता हूं, फिर मैं तुम्हें आज दूसरी चीज लिखवाता हूं और फिर जो हम वो चार्ट बनाएंगे एक बढ़िया सा, या मैं एक काम करता हूं अब चार्ट ही बना देता हूं जिसके अंदर अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सारा समाप्त आ जाएगा बड़े प्यार से, ठीक है। हाँ, लास्ट लिख लो, मुझे बता देना जैसे ही तुम्हारा फिनिश हो जाए, फिर मैं तुम्हें लिखवाता हूँ और देखते हैं उसमें क्या है। अभी बहुत मस्त करके समझ आएगा ना वाला एग्जांपल भी सारे, अच्छा वो बनाने डायग्राम
जो अभी अभी पीछे बनाया था मैंने, श्रेया वाला और बॉटल वाला भी। एब्सोल्यूट रिसोर्स, एब्सोल्यूट स्कैर्स और रिलेटिव स्कैर्स में फर्क कैसे बचाओगे फिर? हाँ, हर चीज बनानी होती है। वो कहाँ बना सकते हो तुम? वो जो स्टिकी नोट्स थे ना उन पे बना लो, या फिर उस पे तुम क्या करोगे? जैसे मैंने रिलेटिव और एब्सोल्यूट का तुम्हें डिफरेंस बताया, वो बुक में नहीं है वो डिफरेंस कहीं पे, कभी उसे बुक में मिलेगा? वो आईसीआई की बुक में भी नहीं लिखा है एब्सोल्यूट रिसोर्स और रिलेटिव स्कैर्स का मीनिंग कहीं पे। तो ये समझ के तभी तुम यहाँ भरो वो समझाने के लिए। तो वो समझोगे तो वो स्टिकी नोट पे चिपकाना जो अलग से तुम्हें लिखना है, ठीक है? ये तुम प्रॉपर नोट्स में और उन स्टिकी नोट्स को इन्हीं नोट में छाप दो उठा करके, बस। लास्ट टाइम में जब पढ़ोगे तो पूरी मोटी बुक थोड़ी पड़ी जाएगी, यही पढ़ा जाएगा फटाफट से। और इतना तुम एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ो के भी रिवाइज कर लोगे, इतना तुम नोट्स में लिखो ना सारा कवर हो जाएगा इसके अंदर फटाफट से। हाँ, दिखाऊंगा वो श्रेय वाला, लो ये रहा। हाँ, ये इसी के नीचे बना लो, इसी के नीचे, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है ना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वाला। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसको डब्बे में कैद करना, लिख लो फॉर अंडरस्टैंडिंग, उस चीज का फॉर अंडरस्टैंडिंग इसी टॉपिक के लिए। तो ये एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है? ये श्रेय वाला है और इससे पहले बॉटल वाला बनाया था, इससे पहले वो रिलेटिव और वो तुम अलग बना लेना, ठीक है? इस वाले को तो इसी के नीचे बनाओ ना जो तुमने लिखा है। हाँ, बॉटल वाला स्टिक नोट्स पे बनाना, और मैं साथ साथ बताता रहता हूँ तुम्हें इसके बाद क्या था। दो फंडामेंटल फैक्ट्स जो है मेरे, क्योंकि हमने डेफिनेशन देखी थी, जो वेल्थ वाली डेफिनेशन है वो एडम स्मिथ ने दी, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स से दी थी। उसके अलावा और भी ऐसी डेफिनेशंस हैं जो हमें प्राप्त हुई हैं, वो अलग अलग लोगों से प्राप्त हुई हैं, तो वो हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी डेफिनेशन हमें किस महापुरुष ने दी है। तो वो कुछ नाम है, वो चार नाम है, वो चारों नामों में अभी याद हो जाएंगे लिखते ही। एक तो हमें याद भी है, जहां पे वेल्थ वाले डेफिनेशन दिखे तो वेल्थ वाली डेफिनेशन किसके इक्वल टू में सीधा एडम स्मिथ, क्योंकि उसकी बुक भी वेल्थ से रिलेटेड थी, तो वेल्थ इज इक्वल टू एडम स्मिथ। उसके अलावा तीन डेफिनेशन और है मेरे पास जो मैं तुम्हें अभी लिखवाता हूं, पहले तुम इसको फटाफट से फिनिश करो और मुझे जल्दी से जल्दी बताओ। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, का हाथ जरूरी है सनम। हाँ, ये तो उसके लिए ना, देखो मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। अगर सिर्फ गौरव है चुनाव के लिए, फिर चुनाव रहा ही नहीं किसी बात का, फिर तो बस यही वाली बात हो गई। जैसे अगर तुम अभी ये देख लो, जैसे मोदी जी कहते हैं सामने कोई है हमारे, तब तो जेल में है, तो वोट किसे दोगे? हाँ, मोदी जी को वोट देना पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं तुम्हारे पास फिलहाल के लिए। तो ऐसा वो भी कहते हैं, बस ऐसा कहा ही जाता है, ध्यान से देखोगे तो चॉइस जरूर मिल जाएगी, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या, या तो इसी में तुम बाइफरकेट कर सकते हो ना, कि जब इसे लाइन में खींच दो, जब इतनी की बात हो रही है ना, जैसे तुम्हें समझ आए वैसे कर लो, ठीक है? जब बात सिर्फ श्रेय और गौरव की है तब चॉइस है ही नहीं, तो नो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है? श्रेय नाम है क्या गौरव? ठीक है, नो हाँ मुझे पता था, अब कह रहा है किसी श्रेय को भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है इसमें। और जब बात करेंगे बड़ी पिक्चर की, बड़ी पिक्चर बोलते हो, ये सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है? तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विल बी अराइज, ये यहाँ लिखा है। अभी अभी तो और नोट्स जितने अच्छे बनाओगे उतने ही पढ़ने में मजा आएगा, उतनी ही अच्छी पढ़ाई होगी। हाँ, एकदम साफ सुथरे सुंदर सुशील, जैसे समझ लो कि जैसे बस रिश्ते की बात चल रही है तुम्हारे, है ना? है कार्ड छप रहा है एकदम, फिर तो वैसे ही बनाए, कार्ड छप रहा है सुंदर सुशील सभ्य, पूरा जीवन बिताना है तुम्हें एटलीस्ट, शुरुआत इसी यहीं से शुरू होनी है ना जीवन की। तो हाँ हाँ, और क्या, स्टार करके लिख दे, चलो हो गया ना? अगर बस पड़ोसी की हेल्प ले लियो फिर, ओके, स्पीड भी बढ़ानी है तुम्हें साथ साथ, क्योंकि अब वो नहीं है समय कि अब तुम आराम से ट्वेल्थ क्लास में ऐसे आराम से लिखते रहोगे, क्योंकि अब थोड़ा स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता है अकाउंट्स का एग्जाम थोड़ा लेंथी होता है, ट्वेल्थ में भी लेंथी था,
यहां भी लेंथी होगा, इंटर में भी और फाइनल में भी, अकाउंट से एग्जाम की परंपरा है कि वो उसकी लेंथ बड़ी ही होती है। बट ये तो एमसीक्यू है, लेकिन यहां पे दो घंटे मिलेंगे तो तुम्हें फटाफट से अप्लाई करनी पड़ेंगी चीजें, बस याद आ जाएगा। लेकिन देखते क्वेश्चन आंसर तो मैं यहाँ ही दिला दूँ तुम्हें सारे। चलो मैं आगे लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो देखना आप। हाँ जी, अब देखो हमने कल एक बात देखी थी, अब ये तुम नोट कर लो चार्ट की फॉर्म में जितना पढ़ा है तुमने। हाँ इसके बाद कर लो ना जगह, नेक्स्ट पेज पे करना। वैसे इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ग्रीक वर्ड से, ठीक है। अब ग्रीक वर्ड में इसे क्या बोलते थे, ओ इकोनोमिया। हमने इसके ऊपर एमसीक्यू भी देखा था, कैसा पूछेगा वो, कहां फंसाता बच्चों को नॉर्मली, ठीक है। हाँ इसका मीनिंग क्या होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साथ साथ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ये सब हम समझ चुके थे अच्छे से, बहुत पूरा टाइम लगाया था हमने इसको समझने में बहुत प्यार से, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, अगर है तो पूछ लेना मुझसे फटाफट से अभी भी, और ऑनलाइन वाला अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो मुझसे भी पूछ सकते हो फटाफट से, ठीक है, चैट के जरिए, ठीक है। हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात इस हाउस होल्ड मैनेज इकोनॉमिक्स की, इसकी बारे में एक किताब लिखी गई थी बाय एडम स्मिथ, हमने इस नाम को याद करने के लिए एक टेक्निक भी लगाई थी प्यारी सी, जुगाड़ कह सकते हो जिसे, हाँ वो नाम लिखा था हमने, क्या याद रहता है, हाँ अब या, अब जीवन भर याद रहेगा, देख मॉडर्न इकोनॉमिक्स, हाँ जनरली इसी के बारे में पूछा जाता है ना जब भी बात आती है फादर की, तो यही याद रखना है, ठीक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, ठीक है। अच्छा अब इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक कब लिखी थी, हाँ रोट अ बुक, का क्या नाम था, शॉर्ट नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, द वेल्थ ऑफ अ नेशन, और फुल नेम याद होना चाहिए हमेशा, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ अ वेल्थ ऑफ अ नेशन, ठीक है ना, ये बात हो गई। अच्छा याद है ना, ये सारी सारे सारे एमसीक्यू हैं मेरे, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए हैं, ओके हाँ इतना ही है। अब इसके आगे आप जो हमें पढ़ना है बताओ मुझे, कि अब मुझे दो चीज बतानी है, पहले तो मैं दो फंडामेंटल फैक्ट जो लिखे थे वो लिखवा देता हूँ, ठीक। चलो और फिर एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, फिर बताना उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि वो एग्जाम का क्वेश्चन होगा और इतना सटीक एग्जाम का क्वेश्चन होगा ना कि वो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, और 100 में से 90% बच्चे गलत करके आ जाते हैं, और यही सा क्वेश्चन होगा जो देखा है, जो लिखा है, जो पढ़ा है, और बस क्वेश्चन को कैसे पढ़ना और समझना है एग्जाम में वो दिखा, वो सब दिखाना मुझे तुम्हें, अभी पहले ये लिख लो तभी लिख पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से है। टू फंडामेंटल फैक्ट्स, हाँ वही दोनों वही, हाँ बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, और हमें पता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट स्केयर्स का मीनिंग, हमने है ना दोनों में डिफरेंस हमने देख लिया था, ठीक है खत्म। ये बात लिखी,
अब आपके सामने आने वाला है वो धमाकेदार क्वेश्चन, वो एकदम मस्त क्वेश्चन पूछते हैं जो एग्जाम में। एग्जाम क्वेश्चन इकोनॉमिक्स इज क्लोजली रिलेटेड विद, ऑप्शन ये रहे आपके। अरे रुक, ऑप्शन देखो पहले, फिर मजा आएगा। ठीक है, ये रहा वो क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। अनलिमिटेड है ये, सॉरी लिमिटेड कर दो इसको, फिर तो मजे खराब हो जाएगा। तभी तो ये जल्दी कैसे बोल दिया तुमने, मैं सोचो। हाँ अब बताओ आंसर क्या लगता है, क्या कहता है तुम्हारा मन, बोल दो ना जरा, दिल में बी, वेरी गुड, दिल में जो है छुपा मैं किसी से कहूंगा नहीं। अच्छा वेरी गुड, अच्छा ठीक है अच्छा, मैं ऑप्शन चेंज कर दूंगा एक बार फिर से, ठीक है हटा देता हूँ मैं, इससे अच्छा मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ बढ़िया वाला। और रुको रुको, मैंने अनलिमिटेड लिखा था, अनलिमिटेड के साथ मैंने जो वर्ड लिखना था मुझे ये चेंज करना था, सॉरी। अब सही है, अब बताओ जरा, अनलिमिटेड वॉन्ट्स देख लो सामने तुम्हारे ऊपर, मैंने फंडामेंटल फैक्ट्स भी लिखे हैं इसी के साथ, ए बी अब आंसर सुनना चालू करते हैं। बताओ भाई ऑनलाइन में क्या आंसर लग रहा है, इतना सब पढ़ लिया तुमने मेरे साथ, तो अब क्या लगता है आंसर क्या होगा, शुरू करो। कुछ लोगों से पूछ लेता हूँ मैं, जब सी आंसर है एक, ठीक है सी आया मेरे पास, डी आंसर है, डी आंसर है, वाओ, ए आंसर है तुम्हारा, सी है। और ऑनलाइन में कोई आंसर देना चाहता है एक बार मुझे अपना आंसर, ए बी सी या डी। क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं, इकोनॉमिक्स इज क्लोजली रिलेटेड विद स्कैर्सिटी, अनलिमिटेड वॉन्ट्स, या फिर ऑप्शन ए ऑप्शन बी बोथ, या ऑप्शन डी नन, कुछ भी नहीं, बोलो कह दो, कहो ना आंसर, कह दिया, कहो ना कहो क्या आंसर है तुम्हारा सुबह सुबह। हाँ देखो ठीक है, बोल दिया, तो अब मैं सही आंसर का आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, प्रस्तुत करता हूं सही आंसर को। द करेक्ट आंसर विल बी, एक एक करके काटूं, चलो ठीक है ठीक है, खुश डी तो नहीं है, डी वालों को तो बिल्कुल ही कट गया, क्यों सी का काटा मैंने, यही तो बात है, सी नहीं होगा तो दोनों ही नहीं होंगे, सी भी नहीं है। ऑप्शन ए वॉज द करेक्ट आंसर। अब देखो क्या बात है यहाँ पे, ये लिखना क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसलिए 100 में से 90 बच्चों का गलत आता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज क्लोजली रिलेटेड, मेरी जो इकोनॉमिक्स है वो किससे लिंक है सबसे ज्यादा, जो मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है उसकी वजह से ही तो सारी वो आ रही समस्या, तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स का रिलेशन किससे है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज से, ये बोलता ए ऑप्शन बोलता, सचिन ने बोला था। ठीक है हाँ, तो ये है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, या तो फंडामेंटल फैक्ट्स पूछता है, अगर फंडामेंटल फैक्ट्स पूछेगा तो आंसर क्या होगा, अगर क्वेश्चन मैं चेंज कर दूं और ये हाँ फिर से होता, अगर मैं लिख दूं फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स तो ऑप्शन क्या होता, तो ऑप्शन होता वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्स आर स्कैर्स,
ठीक है चलो अब एक और एग्जाम का क्वेश्चन दिखाता हूं मैं तुम्हें, इसी याद लेगा, हमने अभी तक जितना पढ़ा वो कुछ फालतू नहीं था कुछ भी, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं ये तुम्हें नजर आएगा। एक क्वेश्चन तुमने ये देखा हमारी पढ़ाई से लिख करके, और देखा हमारे पास आंसर भी सही आया, तुमने ध्यान से सुनी सारी बातें जिन लोगों ने। चलो अच्छा क्वेश्चन नंबर टू, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है मान लो, ठीक है हाँ और क्या फिर आंसर बुक कहाँ, ये क्वेश्चन ऐसे थोड़ी है, ठीक है यहीं पे है ये, आ जाओ। द फंडामेंटल फंडामेंटल फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, एब्सोल्यूट स्केच का डायग्राम, हाँ वो दिखा अभी दिखा दूँ इस क्वेश्चन के बाद दिखा दूँ, ठीक है पहले इस क्वेश्चन, हाँ ठीक है अभी अभी अब बताइए, ये एग्जाम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछना तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारी तौहीन है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारी तौहीन ही हो रही है, फिर भी तुम एक बार आंसर दे दो इससे मुझे संतुष्टि मिल जाए कि तुमने सही से सुना और सही से क्वेश्चन देखा। ऑप्शन सी, हाँ बिल्कुल, अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज यही है। अब देखो पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन क्यों नहीं है, वहां बोल रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज, अब जल्दबाजी में क्या होता है ध्यान नहीं दिया हैप्पी बर्थडे हो गया, तो उसलिए बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बाहर से आएगा, जो पढ़ेंगे उसमें से ही आएगा, ठीक है ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहां पर एक नोटेबल बात क्या नजर आ रही थी तुम्हें, अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें एक नोटेबल बात थी, एक नोटिस करने वाली बात थी, हम जो भी बात कर रहे हैं अपनी इच्छाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है हम किन की बात कर रहे हैं, हाँ वॉन्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वॉन्ट्स अलग होती है और नीड अलग होती है क्या, है ना, हम किस चीज की बात कर रहे हैं यहां पर, वॉन्ट्स की या नीड्स की, हम बात कर रहे हैं वॉन्ट्स की ना कि जरूरतों की, समझे, वॉन्ट वर्सेस नीड, यानी हमारी नीड कितनी भी हो जो जरूरत है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, उसके लिए तो हम इधर उधर भटकेंगे ही, जो नेसेसरी है हमारे जीवन के लिए वो तो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी, उसको सैक्रिफाइस थोड़ी कर सकते हैं। क्या तुम सोचो कि तुम्हारा मन कर रहा है यार मेरे को ना पानी पीना है, मतलब नीड है बॉडी की, एक नीड है पानी पीना खाना खाना है, बट तुम कह रहे हो कि नहीं मैं नहीं खा रहा मेरे पास रिसोर्सेज कम है, मैं एक काम करता हूँ रोटी पानी की जगह मैं एक काम करता हूँ ये सैक्रिफाइस कर देता हूँ, बदले में मैं क्या करता हूँ शॉपिंग कर लेता हूँ, मैं स्पैक्स खरीद लेता हूँ, चश्मा खरीद लेता हूँ, मैं कपड़े खरीद लेता हूँ और नए नए जूते खरीद लेता हूँ बढ़िया वाले, वॉच खरीद लेता हूँ रोलेक्स की, पैसे उतने ही है, लेकिन अब तुम किसको सैक्रिफाइस कर रहे हो, बॉन्ड को या नीड को, या फिर तुम्हारे पास मान लो 500 रुपए ही है, ठीक है एक तरफ 500 रुपए का तुम्हें पानी मिलने वाला है और एक तरफ 500 रुपए का फ्री वाईफाई मिलने वाला है, तुम किस तरफ जाओगे, पानी की तरफ जाओगे या फ्री वाईफाई की तरफ जाओगे, हाँ फ्री वाईफाई कहीं ना कहीं मेरी वॉन्ट हो गई एक तरीके से, ठीक है अनलेस तुम कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे हो तो वॉन्ट हो गई नॉर्मल, तो हम किस पे बात करते हैं, वॉन्ट्स पे बात करते हैं ना कि नीड पर, तो हमारा जो कोर्स डिजाइन है या हमारे जो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं वो किस पर आधारित हैं, वो वॉन्ट्स पर आधारित हैं, ठीक है जो हमारी इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, नीड मतलब जो चाहिए ही चाहिए जरूरत है मेरे जीवन की वो,
तो वो है। और यहां पर हम बात किसी कर रहे हैं अनलिमिटेड वॉन्ट्स की, ठीक है। ठीक है ना, ऐसे लिख लो इसको, वॉन्ट्स आर द डिजायर और नीड्स विच इज necessary for life, like food, water, ठीक है, तो ये मेरी नीड रहेंगी और बाकी मेरी क्या है, wants वगैरह हैं, समझे। और हमारा फोकस किस पर है, यहां पर Bonds पर है। इसकी वजह से ही क्या हो रही है, प्रॉब्लम अराइज हो रही है, क्योंकि हमें इच्छाएं पूरी करनी है। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा आ जाती है ना। आज तुम्हें कुछ मिल गया, तो वो तो मिल गया, जो हाथ लग जाए वो क्या लार्ज, तो फिर नेक्स्ट इच्छा जाग जाती है ना जी। उसी पैटर्न पर चलता है हमारा जीवन, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्या, हटा दूं इसको अब, ठीक है। ठीक है, हटाता हूं मैं अभी से, ठीक है, ओके। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मुझे चार तरीके से मिली है, यानी चार अलग अलग सेंस में मिली है, क्या? हाँ बिल्कुल, तभी तो वो तो याद रखना कि किसने कौन सी डेफिनेशन लिखी है, ये पूछा बताओ, ये किसने लिखी है, ये वाला लिंक किस रिलेशन में है, ये ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो एक तो मेरी वेल्थ वाली थी, याद होगी तुम्हें, तो वेल्थ वाली है ना, वेल्थ वाली किसने लिखी, एडम स्मिथ, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर मैं यहां पर तुम्हें लिख के दिखा दूं, उसको हटा के तीन है, मतलब वो इंक्लूडिंग चार। तो फर्स्ट जो है वेल्थ के रिलेशन में है ना, ठीक है। सेकंड वेलफेयर के रिलेशन में है, थर्ड है स्केयरसिटी के रिलेशन में, एंड फोर्थ है डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक। अब इनको जो लिखने वाले महापुरुष हैं वो भी अलग अलग हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास चार लोग हैं, कौन कौन है, सबसे पहला वेल्थ वाला कौन है, एडम स्मिथ, हाँ, मतलब चार अलग अलग सेंस में बताए गए। स्केयरसिटी वाला अगर पूछता है तो किसने लिखी है, वेल्थ वाली किसने लिखी है, और ये किसने लिखी है, एडम स्मिथ। वेलफेयर वाली लिखी है तुम्हारे फेवरेट आदमी ने, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, मार्शल डबल रहता है क्या इसके लास्ट में, लिख लो, ठीक है, ठीक है। और बाकी दो किसने लिखी है, कहां चली गई, क्या हुआ, हेनरी फोल कहां से आ गया यहां पे, हेनरी फोल तो प्रिंसिपल लिखे थे, ठीक है। अब ये दो नाम नए आने वाले तुम्हारे जीवन में, ये तुमने कहीं ना कहीं सुने होंगे, लेकिन अब एक नया नाम आएगा। स्केयरसिटी के बारे में हमें ज्ञान दिया किसने, लियोनल मेसी अरे नहीं, लियोनल तो है, रॉबिन्स है, लियोनल रॉबिन्स, मैसी होता तो कितना आसान होता, लेकिन वहीं से निकाल लो ना, स्केयरसिटी
ऐसे प्लेयर बहुत ही कम मात्रा में पैदा होते हैं फुटबॉल में भी। स्कैर सिटी के बारे में लियोनल वाला आ गया, लियोनल मेसी, बस मेसी की जगह रॉबिन्स आ जाएगा, ठीक है। ये मान लो कि लियोनल मेसी और रॉबिन उथप्पा को मिला करके ये बना है। रॉबिन उथप्पा को जानते होगे कि इंडिया का क्रिकेटर था, ठीक है। तो लियोनल मेसी और रॉबिन उथप्पा को मिला करके क्या बना है, लियोनल रॉबिन्स, ठीक है। बस बढ़िया हो गया, ठीक है। और लास्ट वाला मेरा दोस्त, ये भी नाम नया मिलेगा तुम्हें, ये कौन महापुरुष है, ये है पॉल, टेकन थ्री वाला पॉल है, पॉल हेमंत। हेमंत कहां से आ गया इसमें, अच्छा नहीं नहीं हेमंत नहीं, अच्छा पॉल हेमन है, अच्छा माय क्लाइंट इज ब्रॉक लेसनर, ठीक है। पॉल हेमन नहीं है, पॉल सैमुअलसन है, मिस्टर पॉल सैमुअलसन। तो ये चार लोग हैं जिन लोगों ने अलग अलग सेंस में मुझे डेफिनेशन प्राप्त दी। जैसे वेल्थ के बारे में हमने देखा था, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ अ वेल्थ बुक जब एडम स्मिथ ने लिखी है, तो उसके बारे में जो ज्ञान प्रकाश डाला हमारे जीवन पे, वो भी किसने डाला था, एडम स्मिथ ने ही डाला था, ठीक है। वेलफेयर यानी कि ये कहता है कि कल्याण के बारे में, वेलफेयर के बारे में वो कौन फोकस रखता है, अल्फ्रेड मार्शल। लेकिन जब बात आती है स्केयर सिटी की, जो स्केयर सिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया जाए इकोनॉमिक्स को, स्केयर सिटी के संदर्भ में जिस इंसान ने समझाया वो कौन था, लियोनल रॉबिन्स। और वहीं अगर देखें डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डायनामिक का मीनिंग क्या होता है, चेंज, यानी इकोनॉमिक्स में चेंज आते रहते हैं, इकोनॉमी में चेंज आता है, अलग तरीके से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, वो इकोनॉमिक्स कहा गया। वो किसने कहा, वो कहा तुम्हारे पॉल सैमुअलसन ने, ठीक है। अरे याद हो जाएगा ना, जो अजीब सा वो यही है बस, पॉल, पॉल तो याद रहेगा, डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब जिनको WWE के बारे थोड़ा पता है वही समझ सकते हैं, उसको मैं लिंक करवा सकता हूँ, बाकी लोग नाम याद करेंगे। डायनामिक माने क्या, चेंज, लिखा चेंज। अब तुम्हें याद होगा पॉल हेमन जो था WWE में, वो पहले ब्रॉक लेसनर का मैनेजर था, अभी रोमन रेंज का मैनेजर है, उससे पहले वो CM Punk का मैनेजर रहा था, मतलब बहुत पहले है ना, 2010 के आसपास, उससे ही पहले। तो वो चेंज करता रहता ना अपने क्लाइंट्स को बार बार, तो चेंज वाला कौन है, पॉल, पॉल सैमुअलसन, ठीक। अगर सैमुअलसन है तो पॉल अपने आप आ जाएगा ना, पॉल याद रखेगा बस, ठीक है, पॉल सैमुअलसन, ठीक है। ये कंप्लीट करके दो मेरे को, एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बल्कि, ठीक, डन विद दिस। डेफिनेशन याद नहीं है, बस याद रखना कि किसने किस कौन सा डेफिनेशन दिया है, हाँ किस पॉइंट ऑफ व्यू से किसने बोला है। वो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड अंडर द एसेंस ऑफ वेलफेयर, हु इज द राइटर ऑफ दिस, या किसने डिफाइन करी है। तो ये चारों नाम होंगे, पहचानना है, और कुछ नाम अभी और भी आएंगे जो हमें याद रखने पड़ेंगे समय समय पर, वो ऐसे साथ साथ याद करते रहेंगे हम अलग अलग रेफरेंस के जरिए, वो आप जगह। जैसे अभी एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल पहले से याद था, बट ये ध्यान रखना है। उसके बाद लियोनल रॉबिन्स आया, वो किसकी वजह से आया, स्केयरसिटी की वजह से, लियोनल रॉबिन्स, और फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पॉल सैमुअलसन। याद रहेगा, याद रहेगा, अभी हम इतनी बार इसको पढ़ लेंगे ना कि रात को सपने में भी आएगा, ये इनकी पिक्चर आएंगी तुम्हारे सपने में रात रात को, बार बार जाग जाग के, ठीक। कंप्लीट दिस, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा वो डायग्राम चाहिए था किसी को, है ना, बॉटल वाला, एब्सोल्यूट स्केयर्स और पंगे भाई, ज्यादा पीछे आ गए क्या, इसके 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 ये रहा, हाँ। तो एब्सोल्यूट स्केयर्स और रिलेटिव स्केयर्स में क्या फर्क होता है ये बताया गया था यहाँ पे, ठीक है। उस हाँ देखो कुछ बता दियो, मोस्ट प्रेसिंग का मीनिंग क्या होता है, अर्जेंट, ठीक है। अच्छा मैं काम करता हूँ कि जो हमने पढ़ा है उसको मैं तुम्हें जरा बुक से दिखाता हूँ कि जो हमने पढ़ा वो बुक में है भी या नहीं, कि हम फालतू में पढ़ जा रहे हैं इतना सारा, है ना। हाँ आप पढ़ा रहे हो तो अच्छा ही होगा, अच्छा तो है, लेकिन हमें एक बार टेक्स्ट भी पता होना चाहिए बुक का क्या है, क्योंकि हम तो यहाँ पे सारी टेक्निकल लैंग्वेज और जो कीवर्ड्स हैं वो सारे लिखते जा रहे हैं और अच्छे से लिख रहे हैं, बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो तो ICI के मॉड्यूल से आएगा। और MCQ का क्या एक खासियत होती है, वो कोई भी लाइन चल रही है, लाइन चल रही है, कोई सा वर्ड बीच में गायब कर देगा, तो उसके लिए एक बार हमें बस थॉरो रीडिंग करनी है, और ये बस क्लास के साथ ही करनी है। उसके बाद जितनी बार भी पढ़ोगे तो इन नोट्स से पढ़ना है, या बुक जो नोट्स मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा उससे पढ़ना है, ICA का मेटल नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, मुझसे उसमें से सारा निकाल के मैं तुम्हें पहले पढ़ा दूंगा, ठीक है। हाँ अभी फिलहाल के लिए मैं तुम्हें ICA के मॉड्यूल दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसी बुक कंप्लीट होती है, कंप्लीट इन द सेंस की तुम्हारे मिलती है, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी बुक दिखा दूंगा यहाँ पे कि हम लोग किससे पढ़ने वाले हैं। अभी मेरे पास ICA का मॉड्यूल यहाँ पर है मेरे पास, उससे देख लेते हैं। इससे क्या रहेगा, हम ICA के मॉड्यूल को भी टच में रखेंगे अपने,
ठीक है। अब देखते हैं कि हमने जो इतना सारा काम झाम पड़ा है वो कहीं दे भी रखा है या हम ऐसे टाइम पास कर रहे हैं इतनी देर से। क्या भाई, तो तुम ये नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ले आ लिख कर हटाएं इसको। ठीक है, अच्छा लिख लो। अमर तुम साथ, डन। चले आओ, मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ जरा। मतलब कौन है? हाँ, अब देखो जैसे एग्जांपल देख लो, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मतलब मेरे बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे पास पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो खत्म हो जाएंगे, बट ये खत्म हो रहे हैं। हाँ, मतलब ये उनका यूज बढ़ता जा रहा है, उसको यूज करने के लिए लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनके अल्टरनेटिव ऑप्शन आते जा रहे हैं, बट वो क्या हो रहा है, पेड़ कटता है फिर लगा दे तो फिर आ जाता है, बट जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है। तो ये होता है रिलेटिव स्कैर्स कमी, हमारी जो जरूरतें हैं उससे कम है हमारे पास मात्रा में। ठीक है, एब्सोल्यूट में खत्म, टाटा बाय बाय गया, उसमें रिक्वायरमेंट क्या नहीं है, रिक्वायरमेंट हमारी कितनी भी फर्क नहीं पड़ेगा ना उससे। हाँ, वो तो खत्म ही हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, पूरा रिक्वायरमेंट है नहीं है वो फिनिश हो ही जाएगा। अच्छा, ये आ क्यों नहीं रहा यहाँ पे, एक बार सेकंड रुको, देखना जरा इसे। हाँ, एब्सोल्यूट स्कैर्स और रिलेटिव स्कैर्स, एक बार मुझे वो खोलना है इसको। इतना समझ आया जो लिखा अभी तक हमने, जो पढ़ा सार समझ आया होगा, अभी तो कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं गया होगा कहीं पे भी, है ना। चलो अब एक बार देखते हैं, रीड आउट मारते हैं बुक से फटाफट से। हाँ ठीक है, अभी जा मेरे मेहरबान। ये रहा, ठीक है। अब देखो जरा क्या बोलता है ये। हाँ वही लिखा ना, देख तो ले हम एक बार बुक से रीड करके देख ले। तो देखो, द टर्म इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड। कहां से आया है ये? ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड में क्या बोलते थे इसे? इकोनॉमी बोलते थे। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं। इसका मतलब क्या है? हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, एक तरीके से यहां पे हाउस होल्ड लिखा, घर गृहस्थी, और उसको मैनेज करते हैं। और टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वाज नोन एज द पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये हमने देखा। ठीक, द बुक नेम्ड इज एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉज ऑफ अ वेल्थ ऑफ अ नेशन। हाँ, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स बोलते थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसे सिंपल इकोनॉमिक्स, फिर माइक्रो माइक्रो में डिवाइड किया गया उस तरीके से, फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आया बाद में, वो सब चीजें चलती गई। इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? द वेल्थ ऑफ अ नेशन, किसके द्वारा? एडम स्मिथ, कंसिडर एज अ फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहला मॉडर्न वर्क कहा गया इसको, और यही इस तरीके से फादर भी कहला है इसके। हाँ, इसीलिए। ठीक है, फिर इसके आगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग सीखेंगे बाद में, उससे पहले हमें कुछ और चीज जाननी है। ठीक है, ये देखो, ये वो एग्जाम्पल दे रखा है जो हमने लिया था, तुम्हारी बहुत सारी इच्छाएं जीवन के अंदर, इसने बर्थडे है तुम्हारा, बर्थडे में तुम्हें 1000 रुपये मम्मी देती हैं और तुम स्पेंड करना चाहते हो, कहाँ कहाँ पे ये हरकतें करोगे, लेकिन तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है, जरूरतें ज़्यादा हैं, इच्छाएं ज़्यादा हैं,
ठीक है, तो तुम्हारे कमी पड़ जाएगी, कुछ सेक्रीफाइस करोगे, वो सारी चीज हमें वो सब कर दिया। सेटिस्फाई कौन से करो, ओनली सम ऑफ अवर वांट्स लिविंग मैनी अदर वांट्स अनसेटिस्फाइड। ठीक है, हम कुछ मतलब कुछ सेटिस्फाई कर पाएंगे, बाकी कुछ को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बस। अब दो फंडामेंटल फैक्ट्स हमने देखे थे, ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड द मींस टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्कैर्स। ये वर्ड लिखा है हमारे नोट्स में भी, इतना ही लिखना है बस। ठीक है, फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स है उसमें क्या है, उसको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्स होने वाले हैं वो मेरे पास कंपैरेटिवली लिमिटेड है, यानी स्कैर्स हैं। क्लियर ये वाली बात बस, और क्या है? ठीक है हाँ, अब इसके आगे जो बातें लिखी हैं वो अब हमें देखनी है। अभी हमने इतना देखा और इससे एक्स्ट्रा भी देखा हमने जो इसमें नहीं लिखा है, बट एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछता है वो मैंने तुम्हें यहीं पे नोट्स में लिखवा दिए, इसलिए अलग से नोट्स मांग रहे हो और अलग से जो मैं किताब तुम्हें दूंगा जो बुक होगी उसमें सब होगा, जो इस यहाँ पे भी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ से मिस है, क्योंकि क्या है, नई बुक छपी है, जून वाली अटेम्प्ट के लिए बुक आई है, पहली बार बुक आई है ना ये, और ये दिसंबर में रहने वाली है, और इससे पहले अलग मटेरियल था, पुराना था, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो इसमें नहीं है, उन्होंने हटा दी है। बट वी नेवर नो आईसीआई का कब खून खोल जाए और कब वो मजे लेने की फिराक में आ जाए, और जो पुराना सिलेबस था उसमें से जो यहां से हटा हुआ एक आधा टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं पूछ सकते, ऐसा कहीं लिखा नहीं पूछ सकते, वो पूछ सकते हैं और वो पूछते हैं, इसलिए हम वो सब भी करेंगे जो इसमें नहीं है। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करना। चलो, आईसीआई को बड़ा मजा आता है ऐसे धप्पा करने में, लेकिन उसके धप्पे के लिए हम तैयार रहेंगे पहले से ही। ठीक है, नहीं बहुत ही रेयर, इस इकोनॉमिक्स में नहीं आती, गलत हो सकता है तो अकाउंट्स में गलत हो सकता है एक बार क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में बहुत ही 0.1% चांस है, बट बहुत ही हार्डली ऐसा कभी होता है, बट होता नहीं इतना आसानी से ना। अगर गलत होगा, तुमने अटेम्प्ट करा होगा, तो तुम्हें उसके कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, वो सबको ही मिलेंगे ना फिर, तो स्टैंडर्ड जैसे होता है, बट ऐसा है तो वो देखो। हाँ ये चीज़ है, ये बार भी नहीं है यहाँ पे आम तौर पे, ये आम जिंदगी नहीं है, ये मिंटाउस जिंदगी है। 6 नंबर क्वेश्चन गलत आया तुम्हारा है ना, कैश फ्लो गलत आया ना इस बार ऐसे ही। हाँ ठीक है, हाँ अच्छा, देखो यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एंड और मीन्स। अब यहां पे एंड्स और मींस का कुछ मतलब होता है, एंड्स और मींस, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग होता है ये मैं तुम्हें वापस बोर्ड पे लेके चलता हूं, मुझे यहां से इतना ही दिखाना था तुम्हें कि जो हमने पढ़ा है वो सारा हमने कवर कर लिया था, कुछ भी अभी तक छोड़ा नहीं, एक्स्ट्रा ज्यादा हमने पढ़ लिया जो हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है। ठीक है, अब चलो चलते हैं वापस अपने अड्डे पे। चलो आ गए, सब लिख लिया जो यहां पे लिखा हुआ था, चलो आ जाओ जी। दो वर्ड होते हैं, अब वहां तो उसने एंड्स और मींस करके छोड़ दिया, लेकिन अब वो एग्जाम में हमसे पूछ सकता है एंड्स का मीनिंग, एंड मींस। अब किसी को याद है या किसी को थोड़ा आइडिया है एंड्स और मींस का मीनिंग क्या होता है? मींस मतलब अच्छा वाला मतलब, ठीक है शाबाश। क्या रहा एंड मतलब खत्म होने को है सब कुछ, और मींस मतलब मींस मतलब और एंड माने खत्म होने को है सब कुछ, है एंड गेम चल रहा है ऐसा लगा दिया, तो बहुत सारा एंड गेम चल रहा है इस दुनिया में, बहुत ज्यादा एंड गेम हो गया है। और बता थोड़ा सोच के, तो मौका देता हूं मैं, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहां मिलेगा, वो एंड वाला होता है ये। अच्छा आईसीआई गलती इंग्लिश में गलती नहीं करेगा ना, आईसीआई तो अनपढ़ थोड़ी है, आईसीआई तो कह रहा आईसीआई है। ठीक है, कैसी बात करते हो दोस्त, क्या अच्छा बोलो, कुछ भी गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मैं यहां ऑनलाइन में देख लूंगा कोई आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा मेरा। ठीक है, बताओ हार मान ली? ओहो कैसे हार मान सकते हो तुम हार मानने वाले बच्चे थोड़ी हो। हाँ कोई और है बताओ। ओके क्या बात है, ये आया ना सही आंसर, मजा आ गया। मैं वेट इसलिए करता हूँ कि मुझे पता है कोई ना कोई सही आंसर जरूर देगा मेरे इस जीवन में, ऐसे मुझे तुम मेरा उम्मीद मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। हाँ बस इतना सा बचाना था है ना, मींस यानी कि रिसोर्सेज यहाँ पर, और मींस मेरे कैसे हैं स्केयर्स है रिलेटिवली इसके द्वारा, एंड्स मतलब वांट्स। हाँ अनलिमिटेड नंबर करके लिखा हुआ था वहां पे, तो बस और इधर क्या है अनलिमिटेड नंबर मेरी वांट्स की, हमने पहली पढ़ लिया अनलिमिटेड नंबर किस चीज का है मेरे पास जीवन में, वांट्स का, और मींस क्या है उनको फुलफिल करने के लिए, वो लिमिटेड है वो, उनका मतलब क्या मींस का मतलब रिसोर्सेज है,
बट ये है क्या, ये स्केयर्स हैं, ठीक है। ये इसका मीनिंग है कि इसका एक तरीके से नकाबपोष नाम है इसका। मेरे वॉन्ट्स ने नकाब जब ओढ़ लिया तो उसका नाम क्या बन गया, एंड्स बन गया, और जब मेरे रिसोर्स ने नकाब ओढ़ लिया तो उसका नाम क्या बन गया, मीन्स बन गया। इतना बस करना है, ठीक है। तो एग्जाम में वो ऐसे नाम चेंज करके हमारे साथ घपला कर सकता है, लेकिन हम उसके लिए क्या रहेंगे, पहले से तैयार रहेंगे। तो इसको जरूर लिखना है, अच्छे से लिखना है, और इसको याद रहे करके मैं लिखना अपने अपना फेवरेट। हाँ, तुम सोच रहे हो सर ये याद रहे कब आएगा, बहुत दिन से याद रहे नहीं देखा हमने, तो आज वो आना था, याद रहे फर्स्ट, ठीक है। ठीक है, हाँ, ये ऐसे जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, जो याद रहे वाले पॉइंट है उन पे स्टिकी नोट जरूर लगाना, छोटे वाले, हाँ छोटे वाले जो होते हैं, हाँ याद रहे 1 2 3 करके, तो याद रहेगा तुम्हें जीवन भर। तो याद रहे 1 तुम्हारे स्टिकी नोट्स में आ जाएगा, ये आ जाएगा क्लियर करके, ठीक है। फटाक से लिखो, क्या करा इसने, फाड़ गया करा तूने, हाथ सेक लिए वाह बहुत बड़े शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद। इसको नोट करेंगे, ये दिख नहीं रहा क्या स्क्रीन पे, स्काई ब्लू से लिखा दिखना चाहिए, तो ग्रीन से लिखता तब नहीं दिखता। चलो चलो जल्दी जल्दी लिखो, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके चले आइए, तो शुरू करते हैं। अब एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जो तुमने अभी तक पढ़ा सारा इकोनॉमिक्स, ये सब हमने पढ़ा किसके बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, हाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले जो तुमने पढ़ा ना, मैं उसके बारे में एक बात लिखवाना चाहता हूं। तुमने जो अभी तक पढ़ा मेरे साथ क्या था, नहीं झूठ तो नहीं था, ठीक है, नहीं भूलना भी नहीं है, याद रखना है, ठीक है। तो फंडामेंटल फैक्ट्स के बारे में हमने बात लिखी थी, ठीक है, इट इज करेक्ट, जो भी पढ़ा इकोनॉमिक्स में, चलो ऐसे लिखते हैं, जो हमारे फंडामेंटल फैक्ट्स है वो क्या कहते थे, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, हाँ, एंड रिसोर्स आर रिलेटिवली स्कैर्स। फैक्ट्स ने क्या बताया मेरे को, फैक्ट चेक हो गया, ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स एंड रिलेटिवली ठीक है। तो ये बात थी मेरी, लेकिन अब क्या कहा गया इकोनॉमिक्स में, ये जो तुमने पढ़ा इट इज ऑल्दो करेक्ट, इट इज करेक्ट, बट आ जाएगा इसके बीच में, बट इट इज, अरे ऐसा होगा, इट इज करेक्ट बट इट इज इनकरेक्ट, इट्स एन इनकम्प्लीट, ये सही है, अपनी जगह जो फैक्ट पढ़ा है वो सच है, बट ये अभी अधूरा है, अधूरा, ये कंप्लीट नहीं है, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, ये बात कंप्लीट नहीं है, इसमें जो इकोनॉमिक्स में बताई गई है सारी चर्चाएं वो कंप्लीट नहीं है, हाँ ये अधूरी है। ऐसा क्यों, तुम खुद सोचो, क्या इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ इतना ही है, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्स आर लिमिटेड, बस खत्म इकोनॉमिक्स, नहीं, इकोनॉमिक्स में और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें पढ़नी पड़ती हैं। क्या इकोनॉमिक्स सिर्फ यही दो चीज पढ़नी है मेरे को, वांट्स और रिसोर्सेस के बारे में, नहीं, इकोनॉमिक्स तो बहुत कुछ आता है, जैसे वो तो फिर वही वाला फैक्ट आ गया ना, इसके अलावा और क्या आ सकता है,
वो तो अलग बात हो गई। जैसे कि मुझे है ना मुझे प्राइस डिसाइड करना होता है इसके अंदर कि मैं किस प्राइस पे अपने सामान को बेचूं, प्राइस डिटरमिनेशन करना होता है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा तुम्हें, इसका रास पर से पर्दा अगली क्लास में उठाऊंगा, इनकम्प्लीट क्यों है। आई उसमें हिंट देके आता हूं थोड़ा सा, ठीक है, कि सस्पेंस थोड़ा रहना चाहिए ना अगली क्लास के लिए, कुछ तो वो रहे कि हाँ अगली क्लास में क्या होने वाला है एपिसोड में। तो हाँ हाँ क्या, नहीं नहीं वो तो ठीक है, तभी तो हमारे मजा आता है, वेब सीरीज खत्म होती है ऐसे पॉइंट पे खत्म होती है कि दूसरे चालू करने का मन करे, तो ऐसे पॉइंट पे खत्म करेंगे ना कि अगला चालू करने का मन करे कि कुछ हो कि ठीक है। ये तो हमने देखा, हम इतने शिद्दत से पढ़ रहे थे जो अभी तक कि इतने मजे से पढ़ रहे थे, लेकिन ये करेक्ट है बट अधूरा है, तो पूरा क्या है उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा इस वेब सीरीज के पार्ट टू में, यानी पार्ट थ्री हमारी तीसरी क्लास होगी ना, हाँ नेक्स्ट एपिसोड में जुड़ना पड़ेगा। जैसा होता पुराने सीरीज खत्म होते थे ढेर ढेर करके, एक चीज तीन तीन बार दिखा गया और फिर कट, सर से पांव तक, पांव से सर तक दिखा दिखा दे सकल गले पे, एपिसोड खत्म, अगले एपिसोड में दिखाएंगे आप सकल किसकी है। हाँ वो तो मैं वेट करके कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे हम कि इसको ये करेक्ट है, इनकम्प्लीट क्यों है, इसके रीजन देखेंगे अगली क्लास में, बट मैं तुम्हें हिंट देके जाऊंगा। ऐसा होता है ना कि प्री कैप दिए जाते हैं थोड़ा सा कि नेक्स्ट हमें ये होने वाला है, तो एक नाम सुना होता है, हाँ वो एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या, जैसे कि हमें प्राइस डिटरमाइन करना है इकोनॉमिक्स के अंदर कि हम सामान किस पार्ट में बेचे बिजनेस अपना चलाने के लिए, या इन्फ्लेशन की चर्चा इसके अंदर होती है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, वो सब हमें देखना होता है इसके अंदर, होता है कि नहीं होता। मेरे पास जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज के वजह से जो मेरे पास रिसोर्स खत्म हो रहे हैं उसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नए नए कैपेसिटी बढ़ानी पड़ रही है रिसोर्स की, सही से हाई वैल्यू यूज करना पड़ रहा है, तो ये सब क्या पार्ट रहेगा मेरा इकोनॉमिक्स का, ये भी तो पार्ट है कहीं ना कहीं, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन सभी इकोनॉमिक्स के अंदर ही है, ग्रोथ डेवलपमेंट, तो ये सारे पॉइंट्स जब मैं समअप करके एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूंगा तब समझ आएगा ये इनकम्प्लीट चर्चा क्यों थी हमारी अभी तक, और कंप्लीट कब बनेगी जब मैं वो कुछ तीन चार पॉइंट्स हैं वो तुम्हें यहां दिखा दूंगा, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो अभी तक आज हमने क्या पढ़ा एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, बताओ हमने क्या देखा। हमने प्रॉब्लम के बारे में देखा कि इकोनॉमिक्स पढ़ ही रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम किस चीज की है, चॉइसेस की समस्या है, और चॉइस करना कब पड़ता है जब मेरे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है, अगर मेरे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो या मेरे पास चॉइस करने का वो ही ना हो, ऑप्शन ही ना हो, तो मेरे पास प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, समस्या ही क्यों आ रही, क्योंकि मेरे पास चॉइस है प्लस मेरे पास उसके अल्टरनेटिव यूज भी है, यानी रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए मुझे समस्या को देखना पड़ रहा है और समस्या का समाधान भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये समस्या क्या सिर्फ मुझे फेस करनी पड़ रही है, नहीं ये सबको फेस करनी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, रशिया, सबको, ठीक है, चाइना वाइना सब, और बिजनेस हो, इंडिविजुअल हो, सबको फेस करनी ही पड़ती है। फिर हमने वांट्स का देखा, फंडामेंटल फैक्ट्स देखे, हमने दो फंडामेंटल फैक्ट्स क्या होते हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्स आर लिमिटेड, रिलेटिवली स्कैर्स एक तरीके से बोला जाए तो, है ना। और फिर हमने रिलेटिवली स्कैर्स और एब्सोल्यूट स्कैर्स का मीनिंग देखा अच्छे से, ठीक। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने और क्या क्या देखा था, फिर हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखी, अलग अलग तरीके से लोगों ने दी है, अलग अलग लोगों ने दी है, तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ इसके अंदर, जैसे कि किसने क्या दी, वेल्थ ने, वेल्थ की डेफिनेशन दी एडम स्मिथ ने, वेलफेयर के बारे में बताया अल्फ्रेड मार्शल ने, उसके बाद मुझे किसने बताया, लियोनल रॉबिन्स, नॉट मेस्सी, वो किसने किसके बारे में बताया, स्कैर्सिटी के बारे में, और लास्ट में पॉल सैमुअलसन, किसने ग्रोथ, डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में मेरे को बताया। फिर मैंने देखा कि यार ये सब एंड्स और मींस का मीनिंग क्या होता है, फिर मैंने बुक से भी रीडिंग कर ली अभी, एंड का मीनिंग वांट्स, रिसोर्स का मींस का मीनिंग रिसोर्स, और फिर मैंने कुछ अपने एग्जाम के कुछ क्वेश्चन देखे थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं मुझसे, जैसे कि स्कैर्स, इकोनॉमिक्स इज क्लोजली रिलेटेड विद द स्कैर्सिटी, ठीक है, ऑप्शन में होगा अनलिमिटेड वांट्स, रिसोर्सेज, स्कैर्सिटी, ए एंड बी बोथ, लेकिन जब ए एंड बी बोथ कब होगा, जब फंडामेंटल फैक्ट पूछेगा वो, तो ये कुछ बातें ऐसी ऐसी हैं। और फिर लास्ट में देखा कि जो मैंने ये सारा पढ़ा ये सब सच है बट इनकम्प्लीट है, कंप्लीट कब करेंगे, कंप्लीट करेंगे अगले एपिसोड में, हाँ नीड और वांट का डिफरेंस देखा था, तो इन सब चीजों को कंप्लीट करेंगे, जो हमारी इकोनॉमिक्स है ये अधूरी है अभी, इसके कंप्लीशन की ओर बढ़ेंगे अगली क्लास में, अगले एपिसोड में। तो आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। उससे पहले अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, कोई डाउट, कोई शंका, कोई शोभा, कोई तुम्हारे जीवन में दुख, पीड़ा, दर्द, हाँ किस वाले पेज पे आ जाऊँ, एब्सोल्यूट और वो बोतल वाले पेज पे, अच्छा प्रेसिंग वाला ही लिखा तो लिख ले, कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो पहले था ये रहा ना प्रेसिंग, ठीक है, तो नोट कर लो इसे, और जब तक मैं वेट कर रहा हूँ तुम नोट कर रहे हो, कुछ पूछना हो तो मुझे बता देना, ठीक है। कभी तो पास मेरे आओ, नजरें मुझसे यूं न चुराओ, ओ जाना।
हाँ ये भी एक तरीके है, उसमें लिख सकते हैं स्टिक नोट्स में कि मोस्ट प्रेसिंग वांट्स का मीनिंग क्या होता है, प्रेसिंग का मीनिंग क्या है अर्जेंट। हाँ तो बस ये लिखना है और कुछ लिखना। अभी आगे बढ़ेंगे हम कौन सी वांट्स को पहले फुलफिल करते हैं ये उस चीज के लिए। मोस्ट प्रेसिंग वांट्स मैं लिख ही देता हूँ, मोस्ट प्रेसिंग वांट्स विल बी सेटिस्फाइड फर्स्ट। ठीक है तो ये है, चलिए वाला पेज भी दिखा दूंगा। ठीक है हो गया, बहुत बढ़िया, चलिए वाला पेज दिखा दूं। ठीक है इसके बाद वाला है श्रेय वाला, तो PREESSING और बाकी ऑनलाइन में जो कुछ पूछना हो तो कमेंट में चैट में मैं वेट कर रहा हूँ, डाउट वगैरह पूछ लो, जिससे फिर मैं तुमसे अलविदा कहूँ आज की क्लास के लिए, और हम फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कुछ मस्त मस्त चीज़ें, मस्त मस्त टॉपिक। मोस्ट प्रेसिंग वांट्स, अच्छा देखना ये लिखवाया था मैंने, हाँ मतलब विल बी सेटिस्फाइड फर्स्ट, मोस्ट प्रेसिंग वांट्स, इसका मतलब क्या, मोस्ट प्रेसिंग का मीनिंग अर्जेंट, हाँ जो बहुत अर्जेंट है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है मेरे लिए, उसको फुलफिल करेंगे पहले। शायरों से लफ्ज लेके थोड़े से उधार, हटा दो उस पेज को, उस श्रेय वाला पेज देखना था ना। ठीक है तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें, गलती से या मर्जी से जैसे भी करनी है करो, मन से करो जैसे मर्जी करो। और थोड़ा बहुत कितना टाइम लगेगा सो घर में पढ़ने में, हार्डली 5 मिनट भी लगेंगे, 5 मिनट भी कल भी लगेंगे, 5 मिनट भी लगेंगे आज भी लगेंगे, तो इतना ही टाइम निकालना है रिवाइज करने के लिए, रीड करने के लिए, क्योंकि हम यहीं पे इतना रीड कर लेंगे, इतना रिवाइज कर लेंगे कि झंझट खत्म हो जाएगा घर पे इकोनॉमिक्स पढ़ने का, पूरी इकोनॉमिक्स क्लास में ही खत्म हो जाएगी, रिवीजन का झंझट खत्म हो जाएगा, सारा रिवीजन ही हो जाएगा अल्टीमेटली, 10-50 बार रिवीजन हम क्लास में कर लेंगे, बाद में तुम कहोगे रिवीजन ही नहीं करना मेरे को, मेरा सारा रिवाइज हो रखा है पेपर मुझसे कल ही ले लो, वैसा इस नौबत इस फेज तक आ जाएंगे हम लोग। ठीक है चैप्टर 1 का यूनिट 1 चल रहा है और ये 40% कंप्लीट हो गया ये यूनिट 1। हाँ तो यूनिट 2 में तो कुछ है नहीं, यूनिट 2 में तो क्या है तुम्हारा वो सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट हाउ व्हूम, हाँ वही है, लेकिन इसमें एक सेंट्रल प्रॉब्लम और ऐड हुई है ना, तुमने लेवल में 3 पढ़ी थी, यहाँ पे एक और ऐड है, तो ये चीज है, हाँ इंपॉर्टेंट अर्जेंट है ना, बहुत जरूरी, सबसे जरूरी। तो चलो ठीक है मैं अभी आज की क्लास के तुमसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, चलिए।